Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. So it's been a hot minute since I uploaded a video, and मुझे लगता है काफी, I guess 4 से 5 महीने हो गए, शायद कम, but उतना ही मुझे तो लग रहा है कि उतना ही ज़्यादा हो गया time. But here I am again because मैं YouTube तो नहीं छोड़ सकती. So let's start from the beginning, okay? So मैं इतने महीने बाद आके नॉर्मली वीडियो नहीं बनाना चाहती. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वाई आई टुक अ ब्रेक एंड जो भी था. सो ऑन माई बर्थडे, मेरा बर्थडे था 16th of July को, एंड उससे एक दिन पहले मेरी नानी, माई नानी पास्ड अवे. यूट्यूब पे क्या है, मुझे फन टू वन बात करनी पड़ती है. रील्स एंड ऑल में ये रहता है कि चलो हो जाती हैं वो तो, बट मेरा वो करने का एकदम मन ही नहीं था. मैंने यूट्यूब पे भी आई गेस 2 वीडियोज डाली जिनकी डेडलाइन थी, वो कोलैबोरेशन थे, तो वो मुझे डालने पड़ गए ऑफकोर्स. बट मेरा खुद से ऐसा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं हुआ. एंड उसके बाद लाइक जुलाई में नानी एक्सपायर हुई, उसके बाद फिर अगस्त या सितंबर में मेरे प्लेसमेंट्स वगैरह आ गए. सो उसके लिए मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि 2 साल से जब से मेरी क्लासेस, एक सेकेंड, हाथ दर्द होने लगा. हाँ, जब से मेरी क्लासेस ना ऑनलाइन शुरू हुई हैं, या मैंने किताब को हाथ भी नहीं लगाया. तो अब जब प्लेसमेंट्स आए तो पढ़ना तो पड़ता ही है. अच्छा, बाय द वे, जिसको नहीं पता, मैं बीटेक कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स आ गए हैं. एंड मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ऑफकोर्स नौकरी तो चाहिए ही है, तो मुझे पढ़ना पड़ा. एंड जब आपकी पढ़ाई 2 साल की छुट्टी हुई है, तो उसको आप कवर अप करने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है, राइट? तो वही मैंने पढ़ाई वढ़ाई की, तो उसमें फिर मेरा यूट्यूब नहीं रहा, कुछ भी यूट्यूब नहीं रहा. नहीं, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं हुआ, बट अब आई एम प्रिपेयर्ड एंड वो सब मैंने कर लिया है जो मुझे करना था. अब आई एम बैक एंड प्लीज ट्रस्ट मी, आई एम बैक. ओ बाय द वे, मैंने नया फ़ोन भी ले लिया है जिससे मैं शूट कर रही हूँ. आपको अगर नहीं पता, अगर आप मेरी वीडियोज़ पहले से देखते आ रहे हो, तो आपको पता है कि मेरे पास iPhone 6 था. 1 सेकेंड. हाँ, तो अगर आप मेरी वीडियोज़ पहले से देखते आ रहे हो और आप मेरे पुराने व्यूअर हो, तो आपको पता होगा कि मेरे पास iPhone 6 था, जो कि अब बहुत आउटडेटेड हो गया है. इससे मेरा काम चल तो रहा था, लेकिन उतना स्मूथली नहीं, मुझे मतलब बहुत लैग करता था. एंड 32 GB है, तो मतलब स्टोरेज की बहुत दिक्कत आती थी. सो मेरा मेन मोटिव एक्चुअली आईफोन लेने का ये था कि स्टोरेज, तो मेरे लिए स्टोरेज बहुत मैटर करती है, इसलिए मैंने 128 GB लिया है iPhone 12. सो या अब मैं वीडियोस बना सकती हूँ. बाय द वे, मैं अपनी पुरानी वीडियोस भी इससे नहीं बनाती थी, मैं मम्मी के फोन से बनाती थी, बिकॉज इसमें ऑडियो भी ढंग से नहीं आती थी. बस इससे मैं रील्स बनाती थी अपनी, बट इसने मेरा बहुत साथ दिया है, सो अभी भी मुझे नफरत नहीं है इससे. बट जिससे मैं शूट कर रही हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इट्स अ बिग अपग्रेड यार. 6 से 12 इज लाइक समथिंग एल्स, जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है. बट या, सो दैट्स दैट. एंड उसके अलावा अब मैं आपको मिलती हूँ कल, बिकॉज अभी मुझे सिर्फ इसका इंट्रो शूट करना था. मैं आपको कल कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगी, क्यों ना मैं एक हॉल वीडियो बना लूँ. मैं हॉल भी कर सकती हूँ एक्चुअली, मेरे पास काफ़ी सारा सामान भी है जो मैंने नया लिया है. सो सी यू टुमारो देन, बाय. हाय गाइज, वेलकम बैक. एज प्रॉमिस्ड, हियर इज अ हॉल वीडियो फॉर यू. 1 सेकेंड. वो एक्चुअली इसमें ना रिंग लाइट का वो दिखता है ना, तो अच्छा नहीं लगता. तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं हॉल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत सामान है, तो इट इज़ टाइम नाउ. बट बिफोर एक्चुअली बिगिनिंग द हॉल, आई वॉन्टेड टू से दैट पिछले क्लिप में आई सेड कि मेरे प्लेसमेंट्स चल रहे हैं ये और वो. सो जस्ट वॉन्टेड टू यू नो लेट यू गाइज नो दैट आई गॉट प्लेस्ड. एंड नॉट जस्ट दैट, माई फ्रेंड्स, लाइक माई 2 बेस्ट फ्रेंड्स विच आर दिव्या एंड श्रुति, एंड हम लोग फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट ईयर के आई गेस सेकेंड या थर्ड डे में ही हमारी दोस्ती होने लग गई थी. एंड हम तीनों तब से ही साथ हैं फर्स्ट ईयर से. एंड ऑल 3 ऑफ अस गॉट प्लेस्ड इन द सेम कंपनी विच इज कॉग्निजेंट, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. तो बस मुझे ये बताना था कि अब मेरी नौकरी लग गई है. बट दिस इज काइंड ऑफ फनी, बिकॉज अगर आप हमें सामने से देखोगे, हम में से किसी को भी, तो आपको लगेगा हम 10th या 12th में हैं, बिकॉज हम बहुत छोटे छोटे लगते हैं सामने से. बट अदर देन दैट आई एम हैप्पी. And I won't stop trying अभी, because अगर better packages की companies आएंगी तो I won't stop applying. So that's that. Now let's begin the haul video. शुरू से शुरू करते हैं. So मेरे birthday से शुरू करते हैं. मैंने birthday से पहले अपनी shopping कर ली थी थोड़ी बहुत, पहले ही पहले मंगा लिया था. So let's start from that. First of all, my birthday dress. मैंने ये सब कुछ बहुत पहले मंगा लिया था, birthday के 15 दिन पहले मैं अलर्ट हो जाती हूँ कि मेरे को मंगाना है. So I got this dress, जिसका टैग नहीं हटाया मैंने अभी तक. ओ माई गॉड, वाह,
सो आई गॉट दिस ब्लैक ड्रेस. मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए. वैसे इसका बैग ऐसा है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस एंड बहुत कम्फर्टेबल भी है. सो आई लव्ड इट एंड मैंने इसको एक्सरसाइज भी कर लिया था थोड़ा बहुत उस दिन. सो इट वॉज लुकिंग गुड. बाय द वे आई डिड सेलिब्रेट माई बर्थडे लाइक दो दिन बाद आफ्टर माई एक्चुअल बर्थडे. उसके दिन आई गेस उसके एक दो दिन बाद मैंने मनाया था. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फॉर माई बर्थडे वॉज दिस वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई ब्रदर. मेरे दादा ने मुझे दिया था ये. इट्स अ बैग एंड इट्स अ वेरी प्रिटी बैग, वेरी स्मॉल एंड ही गिफ्टेड मी दिस. पसंद तो मैंने किया है बट या ही गिफ्टेड दिस. एंड आई गॉट सम ज्वेलरी ऑल्सो फ्रॉम फॉरएवर 21. सो मैंने ना उनका ये वाला पूरा पैक मंगाया था एंड इसमें से मैं आपको फोटो अटैच कर दूंगी यहाँ पे, क्योंकि अब तो ये ऐसा नहीं, मतलब इसमें मैंने अपने भी कुछ कुछ लगा लिए हैं बट ये मेरे हैं ऊपर वाले दोनों. इसका जो बेस्ट वाला है ना, जो मैं बहुत पहनती हूँ, जो इसमें है नहीं, वो मैं आपको दिखाती हूँ. ये वाले मैं काफ़ी पहनती हूँ एंड मेरे काफ़ी यूज में भी आते हैं. बहुत छोटे हैं, वेरी प्रिटी. अर्बैनिक से याद आया, नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस ज्वेलरी सेट फ्रॉम अर्बैनिक. ये मैंने मिंत्रा के अर्बैनिक से मंगाया है बिकॉज मिंत्रा का जो अर्बैनिक है मुझे वो फास्ट डिलीवरी देता है काफ़ी. अर्बैनिक से तो बहुत टाइम लगता है. सो आई गॉट दिस एंड अदर देन दैट और क्या मंगाया मैंने. हाँ आई हैव गॉट सम, चलो बताओ पहले मेकअप देखना है कि कपड़े, पहले कपड़े खत्म कर लेते हैं. यार मेरे साथ ना बहुत बड़ा पोपट हुआ है. मेरे को फॉरएवर 21 वालों ने इतना परेशान किया था मेरे बर्थडे के अराउंड. मतलब जो मैं ऑर्डर कर रही हूँ वो आ ही नहीं रहा. जो मैं ऑर्डर कर रही हूँ उससे या तो कलर गलत आ रहा है या तो वो प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा. सो वो बहुत रिटर्न एक्सचेंज करते करते मैंने एक टॉप मंगाया एंड वो भी ऐसा है. मतलब मैंने ये टॉप मंगाया था, मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था देखने. बट ये जो ऐसा आया है ना, ये काफ़ी वैसा है, खुला खुला सा, एंड मैं इसको नहीं मतलब पहन सकती बिना इनर वगैरह के. ऑब्वियसली देखो ये ऐसा है, ऐसा. अब देखना कैसा लगेगा. तो मैं इसको इधर के साथ पहनती हूँ. बट उसकी मैंने कभी एक्चुअली इसको पहना भी नहीं ढंग से. एक रील वीडियो के लिए पहना था बिकॉज मेरा थोड़ा ये जो अपना कॉन्फिडेंस है ना, वो ज़रा हिल जाता है ऐसे कपड़े पहन के. सो मुझे कुछ आइडिया दो कि मैं इसके अंदर क्या पहन सकती हूँ जिससे ये अच्छा लगे. बिकॉज इसके नीचे तो इनर के साथ ये तो एवरेज सा लग रहा था, अच्छा नहीं लगता. बट गिव मी आइडियाज गर्ल्स. ओके तो ये मैंने मंगाया था फॉरएवर 21 से आफ्टर लाइक रिटर्निंग 2-3 आइटम्स जो उन्होंने गलत भेज दिए थे. सो दैट्स दैट. मैंने प्रॉमिस कर लिया खुद से कि मैं फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट जो तो कभी नहीं मंगाने वाली. बिकॉज वो इतना, मतलब अगर आपको कहीं जाना हो या आपको कोई काम हो ना, वो ऐसा डिले करेंगे तो मेरा जरा मन उठ गया है वहां से. मूविंग ऑन टू सम बेसिक्स, या फिर रुको पहले हम थोड़ा वैसा वाला कर लेते हैं खत्म, फिर हम बेसिक्स पे चलेंगे. टॉकिंग अबाउट गिफ्ट, दिस माई फ्रेंड शेरिन गेव मी एंड दिस इज अ वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस. मैं इसकी फोटो इंसर्ट कर दूंगी बिकॉज अभी तो मैं इसको कैसे दिखाऊं. वन सेक. दिस इज द ड्रेस. मैं फोटो लगा दूंगी साइड में बट इट लुक्स सो प्रिटी. मैंने एक बार पहनी दिया घर पे, बाहर तो नहीं पहनी मैंने अभी तक इसको. सो यस नाउ पहले थोड़ा सा टॉप वॉप खत्म कर लेते हैं. देख रहे हो मैंने कितना अरेंज करके रखा है. नेक्स्ट मैंने अर्बैनिक से दो टॉप्स मंगाए थे, मिंत्रा के अर्बैनिक से. मैंने ये दो टॉप्स और ये साथ में मंगाया था. दो टॉप जो मैंने मंगाए हैं वो यार ये बहुत सस्ते मिल गए मेरे को. पहली बात तो ये आई गेस ढंग से क्यों नहीं खुल रही है. अरे यार ये मेरे को, यार इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या, या मैं ढंग से नहीं पकड़ पा रही इसको. समझ रहे हो ना कैसा टॉप है, ऐसा टॉप है. और ये मेरे को मिला है कितने का, वैसे तो 390 का है बट मेरे को कुछ 270 या 280 कुछ का पड़ा है. ये और एक और है, मैं दिखाती हूँ. इसको तो मैंने बहुत पहन लिया है, दो तीन बार तो मैं पहन ली हूँ इसको. सो वेरी प्रिटी पाउडर ब्लू कलर एंड बहुत चल रहा है आजकल. सो काफ़ी सस्ते भी हैं एंड मटेरियल ऑल्सो इज़ वेरी गुड. सो मैं तो बहुत सारे और मंगाऊंगी इनके कपड़े. अभी थोड़ी से कैजुअल देख लो, एक दो है, उसके बाद हम मेकअप पे चलेंगे. आई गॉट दिस, मैं सीधे ना अलमारी से निकाल निकाल के ला रही हूँ कपड़े दिखाने के लिए. सो आई गॉट दिस टी शर्ट
फ्रॉम मिंत्रा एंड ये भी काफ़ी सस्ती थी, इट वॉज फॉर रुपीज आई गेस 350-400, बट ये मैंने मेन्स सेक्शन से लिए उनके, और ये कौन सा साइज है, एम साइज में लिया है मेन्स से, सो अच्छी है काफ़ी, मैंने पहनी है इसको और कंफर्टेबल भी है बहुत, एंड वॉट्स द प्राइस ऑफ कोर्स. Secondly, I got this T-shirt which says "Sorry, gotta run," and it's a very pretty T-shirt. And ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये color different है, बाकी तो अच्छी है काफ़ी, and comfortable बहुत है, but हल्की सी see-through है. देखो मेरा मुँह दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है, but see-through है ये थोड़ी सी, so उसका ध्यान रखना पड़ता है. ये तो oversize नहीं है, but ठीक है. The last T-shirt that I got is, ये मैंने काफ़ी पुरानी, मतलब पहले लिया, 2-3 महीने हो गए तो काफ़ी पहन चुकी हूँ, बट अगेन वाइट, एंड ये बहुत ओवरसाइज है, ये तो मतलब ये समझो तुम कि ये टी शर्ट ड्रेस जैसी है, सो इट्स रियली नाइस एंड काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी पहन चुकी हूँ इसको, हालत से पता चल रहा होगा, सो दैट्स दैट. अब मैं एक मिनट देख लेती हूँ कि कपड़ों में कुछ, हाँ कपड़ों में, ओ गाइस यार एक बात सुनो, मीशो का नाम सुना है? तो मीशो क्या है, मैं पहले विश्वास नहीं मानती थी, मेरे को लगता था यार ये इतना सस्ता है तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं आना. बट वन डे आई वॉज स्क्रोलिंग ऑन मिंत्रा एंड देयर वॉज अ कुर्ता सेट जो 60% ऑफ पे था, एंड उसके बाद भी वो 1200 का था. आई इंसर्ट द पिक्चर ऑफ द कुर्ता सेट हियर. एंड मैं दिवाली के लिए कपड़े वगैरह देख रही थी, एंड मैंने मीशो खोला, आई फाउंड द सेम कुर्ता सेट फॉर अराउंड 540 समथिंग, एंड उस पर 100 rupees और ऑफ होता है बिकॉज पहले ऑर्डर पे, तो वो मेरे को कुर्ता सेट 440 कुछ का पड़ा है, 440-450 समथिंग ऑन दोज लाइन्स, एंड मैंने वो मंगाया, एंड इट्स सो गुड गाइज, मतलब मैं और मंगाऊंगी इससे, आप भी मंगाओ. मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया है कि यहाँ से बिल्कुल मंगा लो, क्योंकि पहले मुझे लगता था यार इतना सस्ता दे रहे हैं तो मतलब कुछ तो लोचा है, बट काफ़ी सही है, और यार 400-500 रुपये में तुम क्या लोगे. देखो ये इसके प्लाजो पैंट्स हैं, एंड इसकी बस मतलब चुन्नी जो है वो थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली है, बाकी तो पूरा प्लेन है. ओ बाय द वे, हाँ वो लिबास ब्रांड का था तो वो ऑफ कोर्स महंगा होगा, ये पता नहीं कौन से ब्रांड का है, गो श्री की समथिंग, सो वो ऑफ कोर्स महंगा होगा क्योंकि वो लिबास का था. ये भी प्लेन है पूरा, एंड यहाँ पे कुछ कुछ गोटा है, एंड इसकी चुन्नी जो है वो बस थोड़ी सी हैवी है. पहले मैंने सोचा था कि मैं दिवाली के लिए इसको पहनूं, बट मैंने एक और मंगा लिया है, एक्चुअली मैंने अभी भी बहुत कुछ मंगा लिया है, तो हम कभी और उसका हॉल वीडियो करेंगे, बट दिवाली के लिए भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, अफोर्डेबल शॉपिंग ऑफ कोर्स, मतलब एंड प्लीज गाइस मीशो जाओ, प्लीज मीशो ट्राई करो बिकॉज मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ उससे. अब हम चलते हैं थोड़ा सा मेकअप की तरफ, मेरे को ना अब नए फाउंडेशन ट्राई करने थे बिकॉज मैं फिटमी आई गेस 3-4 बॉटल मंगा चुकी थी उसकी, एंड आई स्टिल लव इट, बट मेरे को कुछ और ट्राई करना था, तो मैंने फाउंडेशन में मंगाया है ये मेबेलिन का ही सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन. मैंने कभी पहले फुल कवरेज फाउंडेशन ट्राई नहीं किया, बट मैंने इसको पहना है काफ़ी बार एंड बहुत अच्छा है. तो ये 750 rupees का आता है, बट अमेजोन वगैरह से लोगे तो ऑफ मिल जाएगा थोड़ा बहुत. उसके बाद मेकअप में मैंने ये मेबेलिन का मस्कारा द हाइपर गर्ल वन, मैंने गलती से इसमें वाटरप्रूफ वाला ले लिया है, तो इसको जो निकालने में मेरी नानी याद आती है ना मेरे को, मैं वाटरप्रूफ रिकमेंड नहीं करती, मेरे को नॉर्मल वाला अच्छा लगता है. उसके बाद मैंने, हाँ मैंने दो प्रिटी शेड्स लिए हैं ऑफ नेल पेंट, वन आई एम वेयरिंग राइट नाउ, लिंटी, ये दोनों फेसेस कनाडा के हैं, ये मेरे को 90-90 ईच पड़े हैं, मेरे नेल बेड से मेरे नाखून बड़े होते हुए दिखते हैं लेकिन ये छूटता नहीं है, सो इट्स वेरी प्रिटी, एंड कलर देखो आप तो सो प्रिटी, मैं बदल बदल के पहनती हूँ इनको. इनकी ये फेसेस कनाडा की स्प्लैश वाली रेंज, और ट्राई करना आप लोग, अच्छी है काफ़ी. उसके बाद व्हाट आई गॉट इज, व्हाट डिड आई गेट, हाँ उसके बाद मैंने एक आई लाइनर लिया है, द कोलोसल आई लाइनर, ये वैसा वाला है स्केच वाला, यू सी अच्छा है, स्केच वाला आई लाइनर है, एंड आई गॉट माई सेल ऑफ वाटर गार्नियर का मेकअप छुटाने के लिए. उसके बाद मैंने अपना लिवॉन मंगाया जो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, यार इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो मतलब ये एक हेयर परफ्यूम की तरह काम करता है, काफ़ी अच्छा है, इसको ट्राई करो, छोटा वाला ले लो पहले, मैं हमेशा छोटा ही मंगाती हूँ बिकॉज मेरे को बैग वैग में डाल के नहीं जाना हो तो, इसलिए छोटा वाला, इट्स वेरी नाइस. एंड उसके बाद हाँ यार ये देखो, ये है अपना गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क, तो ये ब्लैक हेड्स, ये सब वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स के लिए काफ़ी अच्छा है, एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है, आई गेस ये 150 रुपये का आता है,
नहीं रुक जाओ, 150 का नहीं आता, सॉरी 250 का आता है, बट काफ़ी अच्छा, एक बार ट्राई करो। एंड अमेजोन से लेना तो ऑफ भी मिल जाएगा। उसके बाद मैंने लिया था ये मेकअप फिक्सर स्विस ब्यूटी का, मैं आपको एक स्प्लैश करके दिखाती हूँ, अपने मुंह पे नहीं करूँगी बिकॉज मेरे को कोई मतलब नहीं है अभी सेट करने का मेकअप, देखना आया। उसके बाद हाँ, ये बहुत सही चीज़ है, मैंने लिए हैं अमेजोन से मेकअप ब्रशेस, तो ये मेरे को आई गेस 300 समथिंग कुछ के पड़े हैं। एंड यार इनकी क्वालिटी बहुत सही है, देखो मैंने अभी तक धोई भी नहीं है बिकॉज मैं इन्हें काफ़ी यूज़ करती हूँ। इससे पहले जो मेरे पास ब्रशेस थे वो मेरे पास 32 ब्रशेस का सेट था, एंड वो मैंने शुरू में ऐसे सस्ते से लिए थे, फ्लिपकार्ट वगैरह से लिए थे, लेकिन वो इतने अजीब से, मतलब उसमें एक भी ब्रश सही नहीं है, एक अच्छा लगता है बस उसका ब्लश ब्रश है जो, बट इसमें आई गेस ये 300-350 समथिंग कुछ का, याद नहीं है मेरे को, बट ये बहुत सही चीज़ है यार। अगर तुम बिगनर हो या आपको मेकअप वेकअप प्रैक्टिस करने की मतलब ऐसा अंदर से होता है तो आप ये ब्रश का सेट ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। सो आई गेस और कुछ नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो मैं अगले हॉल में दिखा दूंगी, क्योंकि अभी दिवाली के लिए मैंने काफ़ी सारा सामान लिया है, ज्वेलरी वूलरी ये सब, तो वो देखना। एंड मैंने ग्रीन वाले के साथ मीशो से इयररिंग्स भी मंगाए थे ग्रीन कलर के ही, तो वो भी आ जाएंगे, तो वो भी मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगी। एंड मैंने इस बार कुछ ट्राई करके नहीं दिखाया यार, बिकॉज समझो थोड़ा मैं पहन चुकी हूँ इनको, ये मेरे हॉल मतलब ये किसी एक जगह का हॉल नहीं है, इसलिए मैंने इनको पहन पहन के नहीं दिखाया, ये बहुत मिसलेनियस हॉल है। बट आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियो। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वॉन्टेड टू जस्ट से वन थिंग दैट इतना टाइम हो गया मेरे को ना पोस्ट करे हुए, कि मेरे को मतलब एक डर था कि मेरी शायद वीडियो सब कोई देखेगा ही नहीं, बिकॉज बहुत कॉम्पिटिशन यार यूट्यूब पे, एंड बहुत जल्दी तुम पीछे रह सकते हो। सो मेरे को बहुत डर था कि यार अब मैं डालूँ कि नहीं, शायद कोई देखे ही ना मेरी वीडियोज़। सो बट आज मैंने बैठ गई, मैंने कहा आज तो बनाते ही हैं, एंड प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से वीडियो डालूँ। आई एम सॉरी मैं बहुत इररेगुलर हूँ, बट यू नो द रीज़न, द प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू राइट। अब मैं चलती हूँ, आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, इट वॉज लाइक वन फ्रेंड शोइंग थिंग्स टू मल्टीपल फ्रेंड्स, आई डोंट नो, बट आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू डिड। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, ओ एक और चीज़, ये मेरी पियर्सिंग जो थी ना, जो मैंने कराई थी बहुत पहले, उसका एक ये वाला बंद हो गया है, एंड अब मेरे को हिम्मत नहीं हो रही दोबारा कराने की बिकॉज दर्द होता है। बट व्हाटएवर, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। फ्यू वीडियोस आई हैव इन माइंड, यू कैन ऑल्सो रिकमेंड मी समथिंग दैट यू वॉन्ट मी टू मेक, आई विल श्योरली कीप इट इन माइंड, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय टूडल्स।